हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हमारे मतलब रक्षाबंधन का टाइम आ रहा है और जिन लोगों के पास मैं ओरियो बिस्किट से हम आज लड्डू बनाएंगे, तो मतलब कुछ अलग करेंगे। और रक्षाबंधन का टाइम है तो भाइयों को तो कुछ अलग चाहिए ना। तो चलो मैं बताती हूँ ओरियो बिस्किट से लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैकेट्स को फाड़ लिया है और उसको वाइट पार्ट अलग कर दिया, और चॉकलेट का मैंने व्हाइट पार्ट को अलग करके उसका ब्रेड वो और उसका चूरा बना लिया मैंने। इसका करके ग्राइंड कर लिया मैंने, और इस तरीके से देख सकते हैं मैंने सिर्फ हाथ से ही माला है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया क्योंकि क्रीम था ना वो, इसीलिए। और इसमें मैं ना थोड़ा बटर ऐड करूँगी। ये तो जो पाउडर हमने बनाया था ओरियो बिस्किट का, इसमें हम थोड़ा बटर का ऐड करेंगे 2 चम्मच के आसपास, और 1 चम्मच हम इसमें मिल्क ऐड करके और इसका एक डो बना लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं मिक्स करेंगे, बस थोड़ा सा मिल्क ऐड करना केयरफुली, क्योंकि फिर ये ना गीला हो सकता है। मतलब 1 चम्मच में ही अच्छे से कंबाइंड हो जाएगा ये। तो ये देख सकते हैं इसका ना बिल्कुल बटर का, देख सकते हैं ना, तो बटर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को हाथ में, बिल्कुल ये ना ऑयल रिलीज़ कर देता है। तो बिल्कुल मैं ऐसे ही लड्डू बना रही हूँ, देख सकते हैं जितने लड्डू बने, और मतलब घर में मज़े से खाएंगे हम लोग। और क्या मतलब कुछ नया बनाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, और मतलब 20-30 रुपए में अगर हमारे घर में लड्डू बन जाए तो क्या बात ही है। तो देख सकते हैं मैंने क्या किया ना, उसका गोल बना के उसको वाइट पार्ट को जो है ना थोड़ा छोटा लड्डू बना के उसके अंदर फिल कर दिया, और इन सब चीज़ों को अच्छे से फिर मैंने इसका लड्डू का शेप दे दिया है। मतलब छोटे वाले पार्ट को हमें छोटा करके और बड़े वाले पार्ट में इंसर्ट करना है और इसका एक लड्डू बना देना। तो इस तरीके से ना हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो इस तरीके से ना देख सकते हैं बहुत एकदम बिल्कुल अच्छा लुक आएगा हमारा लड्डू का। तो अब हम ना इन दोनों चीज़ों को मेल्ट कर लेना है, हमें जो डार्क चॉकलेट था इन सब का मेल्ट कर लेंगे। तो जिस तरीके से प्रोसेस आप लोग को मेल्ट करना है डबल बोल से या माइक्रोवेव में, मैंने माइक्रोवेव किया था, 1 मिनट के लिए मेल्ट हो गया। और सारे लड्डू को वन बाई वन करके हम डिप करके निकाल लेंगे इसमें से, और इसको ना 1 घंटे के लिए कम से कम आप लोग को फ्रीज़र करना है। मैंने ना मतलब फ्रीज ही नहीं किया था, मैं बस 5 मिनट कर रही थी फिर निकाल दे रही थी, मतलब मुझे देखना था कि कैसा बना है। तो मतलब 1 घंटे तक ना आप लोगों को रखना है, क्योंकि देख सकते हैं मेरा साइड साइड से सारा मेल्ट हो रहा है चॉकलेट। और जो वाइट चॉकलेट है ना उससे आप डेकोरेट कर दो, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा डेकोरेशन करना चाहते हो वैसा कर दो। मैंने जैसा करना चाहा वैसा हुआ नहीं, मगर पर मैं जैसे ना लाइनिंग लाइनिंग करना चाहती थी बट हुआ ही नहीं वो। तो और इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र ज़रूर करना गाइस, फिर निकालना, उसके बाद ही ये बहुत बहुत प्यारा लुक देगा इसका। मैंने तो मतलब बाद में लिया, फिर शूट ही नहीं किया मैंने उसका। ये और ये देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से देख सकते हैं ना कितने अच्छे से एकदम वाइट वाला और ब्लैक पार्ट बहुत लड्डू एकदम प्यारा सा लग रहा है। तो इसे रक्षाबंधन में बनाए, एंजॉय करे, और लाइक शेयर कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कर दे गाइस प्लीज़।